दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों खुशखबरी, बहुत जल्द भारतीय बाजार में आपको रॉयल एनफील्ड हिमालयन का अपडेटेड मॉडल देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड हिमालयन 650। दोस्तों सुन के बहुत अच्छा लगा होगा आपको, अगर आप ऑनलाइन फीडबैक देखेंगे तो काफी राइडर हिमालयन 650 के अपडेट के ऊपर ही बात करते हैं और कह सकते हैं एक टाइप से कि उन राइडर को शायद हिमालयन 650 इंजन के साथ देखेंगे तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा या ज्यादा अच्छा रहेगा हिमालयन 650 के हिसाब से देखा जाए तो। और कुछ हिंट भी आए हैं रॉयल एनफील्ड से, आप भी जानना चाहते हो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 650 की सारी डिटेल तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक है जो कि बेसिकली मैं यूज करता हूँ फॉर माय शूट एंड एडिट। अगर वहां से कुछ भी परचेस करते हैं तो चैनल को काफी हेल्प होगी, छोटे से चैनल को काफी हेल्प होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रॉयल एनफील्ड कंपनी के पास ऑलरेडी 650 सीसी का इंजन जो कि वो इंटरसेप्टर बाइक में यूज करते हैं। 2016 में रॉयल एनफील्ड हिमालयन लॉन्च किया था जिसका कैरेक्टर टोटली टूरिंग और बोल सकते ऑफ रोड के हिसाब से डिजाइन किया गया है। पावर में आपको 411 सीसी का SOSC इंजन देखने को मिलता है जो कि प्रोड्यूस करता है 24.3 BHP का पावर पोर्ट एंड 32 न्यूटन का टॉर्क 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलती है। बट बाइक में अभी भी कुछ कमी थी जो कि 650 सीसी से दूर की जा सकती है। वेल दोस्तों ये थॉट काफी ह्यूमर फैला रहा है कि हिमालयन 650 पैरेलल ट्विन मोटर के साथ आएगी। वेल दोस्तों क्लेम भी ऐसा किया गया है कि अब बाइक 199 kg की हो गई है, 411 सीसी का इंजन इनफ नहीं है इतने वेट के लिए। वही अगर 650 सीसी पैरेलल इंजन की बात करें जो कि रॉयल एनफील्ड का पैटेंट इंजन है, उसमें प्रोड्यूस करता 47 bhp का पावर पोर्ट एंड 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो कि काफी सफिशिएंट होगा हिमालयन के लिए जो कि अभी वेट करती 199 kg। वेल दोस्तों रॉयल एनफील्ड एक रिपोर्ट आई है कि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में 650 सीसी हिमालयन पे वर्क कर रहा है और बहुत जल्द अनाउंसमेंट भी मिलने वाली है और पॉसिबल है कि वो रिवील भी हो जाए काफी जल्द। वेल दोस्तों इस बाइक की टेस्टिंग और बोल सकते हो R&D सेंटर पे जो चीजें हो रही है वो हो रहा है यूनाइटेड किंगडम में, ना कि इंडिया में। वहां पे जब एक बार टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा देन वो गाड़ी इंडिया में टेस्ट किया जाएगा एंड देन वो इंडिया में लॉन्च होगी। तो ये पूरा एक प्रोसेस होने में काफी समय लगेगा लेकिन आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि ये चीज रॉयल एनफील्ड की तरफ से ही हुई है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और टेस्टिंग फील्ड में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 650 को चालू कर चुके हैं टेस्टिंग करना एंड डेवलप करना एंड रीडिजाइन करना। बहुत जल्दी आपको ये न्यूज मिल सकती है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक है जो बेसिकली मैं यूज करता हूं, अगर वहां से कुछ भी परचेस करते हैं तो चैनल को काफी हेल्प होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।